हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में बाहरी राज्यों से आए छात्रों के 3 दिनों से चल रहे अनशन को कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने समाप्त कराया और छात्रों को आश्वासन दिया कि 11 दिनों के भीतर कैबिनेट में वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य कराया जाएगा। दरअसल ऋषिकुल और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 17 छात्रों को पिछले 10 महीने से स्टाइफंड नहीं दिया गया, जिसके विरोध में एमडी और एमएस के शोधार्थियों ने ऋषिकुल महाविद्यालय परिसर में ओपीडी बंद कर हड़ताल कर दी और 2 छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया। 3 दिनों तक कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों की कोई सुध नहीं ली। जब आज मंत्री मदन कौशिक ऋषिकुल महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, तब उन्होंने छात्रों से बात कर उन्हें समझाया और इस आश्वासन के साथ जूस पिलाकर छात्रों का अनशन समाप्त करवाया कि 11 दिनों के भीतर कैबिनेट में वार्ता कर उनको मानदेय दिलाया जाएगा। मांग थी कि वो एमडी में जब आते हैं, जो उत्तराखंड के बाहर के हैं, जो ऐसी सीटों पर आते हैं जिन सीटों के अंतर्गत वो सेल्फ फाइनेंस की सीट होती है, तो राज्य में उनको स्टाइपेंड देने की व्यवस्था नहीं थी। उनकी डिमांड थी हमें स्टाइपेंड उन बच्चों के समान मिले जो बच्चे अन्य हैं, और मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम जल्दी आपको भी स्टाइपेंड के दायरे में लाएंगे। जी, उन्होंने ये कहा कि 11 दिन के अंदर वो कैबिनेट से बात करके हमारा फाइल मूव करेंगे और हमको ये प्रतिश्रुति दी कि आपका स्टाइपेंड बिल्कुल मिलना चाहिए, आपका राइट है, आपको 100% मिलेगा। हमारे सामने उन्होंने मंत्री से फोन करके लाउडस्पीकर हम सबको आश्वासन दिया है कि मिल जाएगा हम लोगों को, तो इसी खुशी से उन्होंने हमारा हड़ताल तोड़ा है और हम बहुत बहुत कृत्य हैं उनके लिए। वी आर वेरी ओबलेस्ड टू देम। अगर 11 दिन एक्चुअली वी शुड थिंक पॉजिटिव, हम ये पॉजिटिव मान के चलेंगे, हाँ मिल जाता है। अगर नहीं मानता है तो फिर दोबारा हमको हड़ताल में आने का बाध्य होना पड़ेगा।